कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आपको ये घर पर जो विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 11 में गणित में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक नजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी की कुछ बातों पर भी डालेंगे और फिर कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 2। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इकाई वृत्त और त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय को परिचय से। दोस्तों मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या 1 है, तो इस हिसाब से इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 0, यानी x का निर्देशांक होगा 1 और y का निर्देशांक होगा 0। इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 1, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0 और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, -1। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं इस वृत्त की त्रिज्या का मान 1 है, तो चलिए इसे इस दिए गए वृत्त में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक होंगे A और B। हमने B को इस तरह से प्रदर्शित किया है और A को इस तरह से, और मान लीजिए ये पॉइंट M है। तो दोस्तों ये त्रिभुज यानी के OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के कोण का मान है x। तो चलिए अब तक हम जान चुके हैं कि OMP एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी के cos x बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह sin x बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो उसमें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। तो इस समकोण त्रिभुज यानी OPM की बात करें तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब a का मान cos x है और b का मान sin x है, तो ऊपर दिए गए समीकरण में अगर हम यही मान पुट करें तो हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बराबर 1 आ जाएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट के निर्देशांक को cos x, sin x से लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान cos x है और b का मान sin x है। यहाँ पर x उस कोण का मान है जो उस रेखा पे बना हुआ पॉइंट x एक्सिस के साथ बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले शीर्षक की ओर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों अगर ये x यानी कि ये कोण जो OP रेखा x एक्सिस के साथ बना रही है, अगर इस कोण का मान 0 हो जाए तो B यानी कि निर्देशांक y का वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि B बराबर sin x, और अगर sin में x को हम 0 कर दें तो sin 0 gives 0। इसी तरह से अगर उस कोण का मान पाई बाय 2 हो यानी 90 डिग्री हो तो साइन पाई बाय 2 बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x के मान को पाई कर दें तो साइन पाई बराबर 0 होगा, और यदि x का मान 3 पाई बाय 2 हो यानी 270 डिग्री, तो साइन का मान -1 होगा,
और फाइनली अगर x का मान 2 पाई हो तो साइन का मान साइन 2 पाई का मान 0 हो जाएगा। चलिए इसे ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास साइन x का ग्राफ है। चलिए सबसे पहले इसमें साइन के सभी कोण को दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 0 डिग्री पर साइन फलन का ग्राफ 0 को ही छू रहा है और पाई बाय 2 पर साइन फलन का मान अधिकतम हो जाता है यानी कि 1 और उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक साइन फलन फिर से 0 हो जाता है और 3 पाई बाय 2 पर इसका मान फिर से अधिकतम हो जाता है पर साथ ही नेगेटिव भी हो जाता है। 2 पाई तक आते आते ग्राफ फिर से 0 को छू जाता है। ध्यान दीजिए कि साइन की अधिकतम मान 1 है और न्यूनतम मान -1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब तक हमें ज्ञात हो चुका है कि किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी ए बी को हम कॉस एक्स या साइन एक्स से भी लिख सकते हैं। चलिए अब कॉस एक्स में जो एक्स यानी कि कोण के मान को समझते हैं। अगर एक्स का मान 0 हो यानी कॉस 0 बराबर 1। एक्स का मान 0 हो यानी कोण का मान अगर 0 होगा तो कॉस फंक्शन का जो मान है वो 1 के बराबर होगा। अगर x का मान पाई बाय 2 हो तो cos पाई बाय 2 बराबर 0। अगर x का मान पाई हो तो cos पाई किसके बराबर होगा? -1 के। अगर x का मान 3 पाई बाय 2 हो तो cos का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर x का मान 2 पाई हो तो cos का मान 1 होगा। चलिए इसे भी ग्राफ की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास कॉस फलन का ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ में सभी पॉइंट्स को दिखाते हैं और उनके कोण को भी दिखाते हैं। 0 डिग्री पर कॉस फलन का ग्राफ अधिकतम हो जाता है यानी कि 1। पाई बाय 2 पर कॉस फलन का मान 0 हो जाता है। उसके बाद दोबारा पाई पर जाने तक कॉस फलन का ग्राफ यानी कॉस फलन का मान अधिकतम पर नेगेटिव मान दिखाता है यानी कि -1। 3 पाई बाय 2 पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है और 2 पाई तक आते आते ग्राफ फिर से अधिकतम हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कॉस के ग्राफ में सबसे अधिकतम मान 1 है और सबसे न्यूनतम मान -1 है जो के साइन के ग्राफ में भी है। और एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि जहां पर जिस कोण पर साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा अधिकतम है वहीं पर कॉस की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं साइन और कॉस फलन के एंगल्स के बारे में। अगर साइन का कोण 2n पाई से बढ़ा दिया जाए तो साइन फंक्शन का मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा यानी कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस x बराबर साइन x जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या। इसी तरह से अगर कॉस का कोण 2n पाई से बढ़ा दिया जाए तो कॉस फंक्शन का मान भी बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी सेम रहेगा और यहां पर n पूर्ण संख्या है यानी कि इंटीजर। चलिए ऐसे ही कुछ और फॉर्मूलास को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन एक्स बराबर 0 इफ एक्स बराबर 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई या प्लस माइनस 3 पाई यानी कि अगर कोण का मान साइन के कोण का मान 0 या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई या सो ऑन इन सब में से कोई हो तो साइन फलन का मान 0 होगा। इसी तरह से अगर कॉस फंक्शन में कॉस फंक्शन के कोण का मान प्लस माइनस पाई बाय 2 या प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 या प्लस माइनस 5 पाई बाय 2 हो तो कॉस फंक्शन का मान 0 होगा। इसे और अच्छे से इस तरह से समझा जा सकता है कि साइन फंक्शन का मान 0 है अगर साइन के कोण का मान n पाई हो
एन यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण संख्या, वो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी हिसाब से cos x बराबर 0, जहां पर x की वैल्यू है 2n+1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2। यहां पर 2n+1 का मतलब विषम गुणांक यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अगर x का मान यानी cos के कोण का मान एक विषम गुणांक है पाई बाय 2 का, तो cos फंक्शन का मान 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए पढ़ते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के गुणों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन और कोसेकेंट x के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि साइन x बराबर 1 बाय कोसेकेंट x, यहाँ पर x कोण है, यानी कि साइन फंक्शन कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से कोसेकेंट फंक्शन साइन फंक्शन का रेसिप्रोकल है, यानी कि कोसेकेंट x बराबर 1 बाय साइन x। इसी तरह से cos x बराबर 1 बाय सीकेंट x और सीकेंट x बराबर 1 बाय cos x। इसी हिसाब से tan x बराबर 1 बाय cot x और इसी से हम cot x बराबर 1 बाय tan x निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड को हमको बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि कोसेकेंट x बराबर 1 बटे sin x और हमें ये भी पता है कि cot x बराबर cos x बाय sin x। अब दोस्तों ये दोनों फलन यानी कोसेकेंट x और cot x तभी माननीय होंगे जब दोनों फलनों के हर यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो, यानी कि sin x कोसेकेंट x में और cot x में जो sin x है ये दोनों अगर 0 के बराबर ना हो तो cosecant x और cot x दोनों ही फलन माननीय होंगे। अब sin x कब 0 हो सकता है? जब sin x में कोण का मान n पाए हो। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि cosecant x और cot x फंक्शन तभी माननीय होंगे जब x की वैल्यू n पाई के बराबर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें यह भी पता है कि secant x बराबर 1 बाय cos x और tan x बराबर sin x बटा cos x। तो दोस्तों secant x और tan x भी तभी माननीय होंगे जब इन दोनों फलन के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर हैं वो cos x 0 ना हो। अब cos x 0 कब होगा? जब cos x में कोण का मान 2n+1 π/2 हो। अगर x के मान पाई बाय 2 के विषम गुणांक के बराबर है तो secant x और tan x दोनों फंक्शन माननीय नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों फंक्शन माननीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समीकरण हमने अपनी सबसे पहली स्लाइड में पढ़ा था, जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर हम इस समीकरण को साइन स्क्वायर एक्स से भाग कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से समीकरण बन जाएगा, जो है साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है, आप इसको अपनी कॉपी में प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाले समीकरण को यूज करके हम एक और समीकरण बनाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अगर इसी समीकरण को अब हम कोस स्क्वायर एक्स से भाग करते हैं तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स।
अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक समीकरण आएगा जो है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों आप इन सभी समीकरणों को याद रख लीजिए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन को जारी रखेंगे और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे संदर्भ कोण के बारे में। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, अब हम पौधों में परिवहन के विषय में कुछ और जानकारी पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतः शोषण के बारे में। पौधों के शारीरिक क्रियाकलाप के लिए जल अनिवार्य है और यह सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह माध्यम उपलब्ध कराता है जिसमें सभी पदार्थ घुलनशील होते हैं। जीव द्रव्य में हजार तरह के अणु पानी में घुले होते हैं और निलंबित रहते हैं। एक तरबूज के अंतर्गत 92% से अधिक भाग पानी का होता है तथा ज्यादातर शाकीय पौधों में शुक पदार्थ केवल 10-15% होता है, बाकी जल होता है। स्थलीय पौधों में प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करता है, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा हवा में उड़ जाता है। मक्के का एक परिपक्व पौधा एक दिन में लगभग 3 लीटर पानी अवशोषित करता है, जबकि सरसों का पौधा लगभग 5 घंटे में अपने वजन के बराबर पानी अवशोषित कर लेता है। पानी की इस उच्च मात्रा की मांग के कारण यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कृषि एवं प्राकृतिक पर्यावरण में पौधों की वृद्धि एवं उत्पादकता को सीमित करने वाला समीकारी कारक प्राय जल ही होता है। जल विभव। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ अध्ययन को आसान बना देती है। जल विभव की गति या परिवहन को समझने के लिए आधारभूत धारणा है। विलय विभव या विलय अंतःशक्ति तथा दाब विभव या दाब अंतःशक्ति जल विभव को सुनिश्चित करने वाले 2 मुख्य कारक हैं। जल के अणुओं में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित गति करते हुए पाए जाते हैं। यह गति तीव्र तथा स्थिर दोनों तरह की हो सकती है। किसी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव होगा। अतः यह सुनिश्चित है कि शुद्ध जल में सबसे ज्यादा जल विभव होगा। यदि कोई 2 अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु के अनियमित गति के कारण जल के वास्तविक गति की तीव्रता गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग में होगी। अतः पानी उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट जल के तंत्र से कम जल विभव वाले तंत्र की ओर पानी जाएगा। पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा के प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है। जल विभव को ग्रीक चिन्ह साय से चिन्हित किया गया है और इसे पास्कल जैसी दाब इकाई में व्यक्त किया गया है। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल का जल विभव 0 होता है। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोल दिए जाए तो घोल में मुक्त पानी कम हो जाता है, जल की सांद्रता घट जाती है और जल विभव भी कम हो जाता है। इसीलिए सभी विलयनों में शुद्ध जल की अपेक्षा
जल विभव निम्न होता है। इस निम्नता का परिमाण एक विलेय के द्रवीकरण के कारण, जिसे विलेय विभव कहा जाता है, या साई एस सदैव नकारात्मक होता है। जब विलेय के अणु अधिक होते हैं तो साई एस अधिक नकारात्मक होता है। वायुमंडलीय दाब पर विलेय या घोल का जल विभव साई एस साई डब्लू के बराबर होता है। परासरण, पौधों की कोशिका, कोशिका झिल्ली या एक कोशिका भीति से घिरी होती है। यह कोशिका भीति जल एवं विलयन में पदार्थ के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है, अतः वे परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। एक पौधे की कोशिका में प्राय एक केंद्रक रसधानी होता है, जिसका रसधानी युक्त रस कोशिका के विलय विभव में भागीदारी करता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसधानी की झिल्ली टोनोप्लास्ट दोनों एक कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। परासरण विशेष रूप से एक विभेदक अर्ध या पारगम्य झिल्लिका की आर पार जल का विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। परासरण स्वतः ही प्रेरित बल के अनुक्रिया से पैदा होता है। परासरण की दिशा एवं गति दाब प्रवणता एवं सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करती है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव से निम्न रासायनिक विभव में तब तक संचारित होता है जब तक कि सामान्यता पर ना पहुंच जाए। सामान्यता पर दो कक्षों का जल विभव एक समान होना चाहिए। जीव द्रव्य कुंचन, पादप कोशिकाओं में जल की गति प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य में परासरण दाब को संतुलित करता है तो हम समपरासरी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो अल्प परासरी कहते हैं, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रयुक्त होता है तो इसे अति परासरी कहते हैं। कोशिकाएं अल्प परासरी घोल में फूलती है और अति परासरी में सिकुड़ती है। जीव द्रव्य कुंचन तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति कर जाए तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भीति से अलग हो जाए। अंतःशोषण, अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब ठोस एवं कोलाइड द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इसके कारण इसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। अंतःशोषण के प्रतिष्ठित उदाहरण में बीज और सूखी लकड़ियां द्वारा जल का अवशोषण है। फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब के प्रयोग आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए किया जाता है। यदि अंतःशोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते, वे संभवतः बाहर आकर स्थापित नहीं हो पाते। अंतःशोषण भी एक प्रकार का विसरण है क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण तथा अंतःशोषण होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतःशोषित करता है, अवशोषण और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। इस वीडियो में हमने सीखा पादप जल संबंध, जल विभव, परासरण, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। धन्यवाद।
SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तखलीक की तरह SLV-3 की तखलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद जब अपने चौगिरदे का एहसास हुआ, तो महसूस किया जैसे मेरी हस्ती का एक हिस्सा मर गया था। रात की रात बसों में सफर करता हुआ अगली सुबह मैं रामेश्वरम पहुंचा। जोहरा को क्या तसल्ली देता और क्या सब्र देता अपनी भांजी महबूबा को, जो रो रो कर हलकान हो रही थी। मेरी आंखों के सोते पहले ही सूख चुके थे। थुम्बा लौटकर बहुत दिनों तक सारा कामकाज, सारी मसरूफियत बेमाने लगने लगी। बहुत दिनों तक बहुत मलाल लगा, सब बेमाने लगता था। प्रोफेसर धवन देर देर तक हौसला देते थे, कहते SLV पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मुझे सब्र महसूस होगा और ये मायूसी कम होते होते गुजर जाएगी। 1976 में मेरे अब्बा जैनुल आबदीन 102 साल की उम्र में वहीं रामेश्वरम में इंतकाल फरमा गए। 15 पोते पोतियां छोड़कर गए थे पीछे और एक पड़पोता। दुनियावी तौर पर वो सिर्फ एक और बुजुर्ग की मौत थी। कोई बड़ा मातम नहीं हुआ, झंडा नहीं उतारा गया, न अखबारों ने स्याह हाशिए दिए, न सियासतदान थे वो, ना विद्वान कोई, ना कोई बड़े सरमायादार।
एक सीधे साधे इंसान थे, फरिश्ता सिफत, और हर उस बात की वजह थे जो दानाई और पारसाई की राह दिखाती है। मैं बहुत देर तक अपनी मां के पास बैठा रहा चुपचाप, और जब उठा थुम्बा लौटने के लिए तो उसने रुंधे गले से दुआएं दी मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी गणित की पुस्तक का पाठ 5, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। अब यदि इसी पाठ के नाम को आप अंग्रेजी में जानना चाहें तो वह कहलाता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलिए इस पाठ के पहले भाग में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो शुरू करते हैं पहले विषय के साथ। भूमिका में हम जानेंगे कि इस पाठ में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला विषय होगा सांतत्य। इसमें हम जानेंगे कि सांतत्य होता क्या है, या फिर यदि हम किसी फलन को कहते हैं कि वह सांतत्य है तो ऐसा कब होता है। फिर हम देखेंगे अवकलनीयता, यानी किसी भी फलन की अवकलनीयता को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। और आखिर में हम जानेंगे कि सांतत्य तथा अवकलनीयता आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि सांतत्य तथा अवकलनीयता में संबंध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सांतत्य का अर्थ जानते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। आपके सामने एक फलन कुछ विचित्र प्रकार से परिभाषित है, लेकिन ऐसा फलन आपने कक्षा 11वीं में भी देखा होगा। कक्षा 11वीं में एक पाठ था आपका, पाठ 13, सीमा एवं अवकलन। उसमें आपने इस प्रकार के फलनों की चर्चा करी होगी। ये फलन आप पढ़ते कैसे हैं? ये फलन इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि f of x का मान 1 होगा यदि x का मान या तो 0 होगा या 0 से छोटा होगा, और दूसरी स्थिति ये होगी कि f of x बराबर होगा 2 जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। आइए एक आलेख देखते हैं। ये आलेख जो है, ये आपके सामने जो फलन दिया गया है इसी का आलेख है। x का मान जब 0 होगा तो वो बिंदु कहाँ रहता है? वो बिंदु रहेगा y अक्ष पर, और जब x का मान 0 से छोटा है तो x के ऋणात्मक दिशा की ओर देखा जाएगा। अब इस बिंदु को निर्देशांक दिए गए हैं 0,1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब x का मान 0 या 0 से छोटा है तब f of x यानी जो y है उसका मान 1 है। अब यदि मैं दूसरी स्थिति को देखूं, x का मान जब 0 से बड़ा है यानी ये जो है वो धनात्मक दिशा में है, x के सभी धनात्मक मानों की चर्चा की गई है, तब उसको आप इस बिंदु से दर्शाएंगे जिसके निर्देशांक है 0,2। यानी जब x का मान 0 से बड़ा है तो f of x का मान 2 है। अब f of x का मान जो है वो x के मान के हिसाब से बदल रहा है, तो इस कारण आप ये कह सकते हैं कि यह जो फलन है वह सांतत्य नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे f of x का मान 1 है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और f of x का मान 2 है जब x का मान 0 के बराबर है। तो इसका जो आप यहाँ पे आलेख देख रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए जैसे हमने पिछला आलेख समझा था। x का मान जब 0 के बराबर नहीं है तब y बराबर 1 एक रेखा खींच दी गई है, और
एक्स का मान जब शून्य है यानी वाई अक्ष पर, वहां पर एफ ऑफ एक्स का मान 2 है, तो निर्देशांक लिख दिए गए हैं 0,2। ये फलन जो है वह भी सांतत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सांतत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लीजिए कि f वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और मान लीजिए कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, तब f बिंदु c पर संतत है यदि लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। आइए आप आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। पहला तथ्य है, एक फलन x बराबर c पर संतत है यदि फलन x बराबर c पर परिभाषित है, और यदि x बराबर c पर फलन का मान x बराबर c पर फलन की सीमा के बराबर है। अगला तथ्य है, यदि x बराबर c पर फलन संतत नहीं है तो हम कहते हैं कि c पर f असंतत यानी डिसकंटीन्यूअस है, तथा c को एक असांतत्य का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी कहते हैं। आप इन तथ्यों से समझे क्या? पहले तथ्य में कहा गया फलन x बराबर c पर संतत होगा यदि फलन का मान और फलन की सीमा उस बिंदु पर आपस में बराबर हो जाती है, और जब फलन संतत नहीं होता तब हम कहते हैं कि फलन असंतत है, और जिस बिंदु पर हमने जांचा होता है कि फलन संतत है या नहीं उस बिंदु को असांतत्य का बिंदु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 1 पर फलन f of x बराबर 2x जमा 3 के सांतत्य की जांच कीजिए। तो यहाँ पर आप इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है, तो f of 1 बराबर हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 रख दीजिए जमा 3, यानी 2 गुना 1 जमा 3 जो कि आ जाता है 5। अब हमने देख लिया कि x बराबर 1 पर फलन परिभाषित है और मान भी ज्ञात कर लिया x बराबर 1 पर। अब हम x बराबर 1 पर फलन की सीमा ज्ञात करते हैं। तो हम सीमा कैसे ज्ञात करेंगे? सीमा दो प्रकार की होती है, पहली बाएं हाथ की सीमा और दूसरी दाएं हाथ की सीमा। और जब इन दोनों सीमाओं का मान बराबर होता है तब हम कहते हैं कि इस फलन की सीमा जो है वह परिणाम में आने वाला अंक है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पहले निकालते हैं दाएं हाथ की सीमा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। तो ये जो a प्लस है आप यहाँ पर अपना बिंदु रखेंगे जिस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3। अब 3 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 के साथ वहां पर x है नहीं, x का मान ही तो 1 की तरफ बढ़ रहा है। अब यदि अगर x का मान 1 की तरफ बढ़ रहा है तो उससे 3 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो हम 2 के साथ 1 को गुणा कर देंगे और उसमें 3 वैसे का वैसा जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 5। अब x बराबर 1 पर जब फलन परिभाषित था तो f of 1 भी 5 आ रहा था और दाएं हाथ की सीमा जो है वो भी 5 आ गई। अब यदि बाएं हाथ की सीमा भी 5 आ जाए तो हम कह देंगे कि x बराबर 1 पर फलन सांतत्य है। देखते हैं बाएं हाथ की सीमा, बाएं हाथ की सीमा होती है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 3 कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2 × 1 + 3 यानी 2 × 1 = 3 जो कि हो गया 5। अब x बराबर 1 पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही 5 आ गए, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फलन की सीमा है वो फलन के मान के बराबर हो गई और x बराबर 1 पर हमारा जो फलन f है वह संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा गया है x बराबर 0 पर फलन f of x बराबर mod of x के सांतत्य पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फलन को परिभाषित करेंगे। क्यों?
क्योंकि जब मॉड के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है तो उसमें दो तरीके की स्थितियां आती है, या तो जो फलन है उसका मान शून्य से छोटा होगा या फिर फलन का मान शून्य से बड़ा होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि शून्य ही एक ऐसा संख्या है या एक ऐसा बिंदु है जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं इन दोनों को अलग करता है। अब एफ ऑफ एक्स परिभाषित है कुछ इस प्रकार कि एफ ऑफ एक्स का मान हो जाएगा माइनस एक्स जब एक्स का मान शून्य से छोटा होगा, और एक्स हो जाएगा जब एक्स का मान शून्य से बड़ा या उसके बराबर होगा। यानी एक्स बराबर शून्य पर फलन परिभाषित है। अब हम इसकी सीमा ज्ञात करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी फलन सांतत्य है या संतत है ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है? फलन की जो सीमा है उस बिंदु पर और फलन का जो मान है उस बिंदु पर उनको आपस में बराबर करना होता है। तो f के बाएं पक्ष की सीमा जो होगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, वो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस ऑफ x। क्यों? क्योंकि जब शून्य से छोटा है x तो उसका मान माइनस x है, तो ये हो गया शून्य। और f के दाएं पक्ष की जब हमने सीमा देखी तो वो हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। अब x का मान जब शून्य से बड़ा है उसके लिए फलन जो है वो x ही था, तो हमने फलन का मान वैसे का वैसा लिख दिया, ये भी शून्य हो गया। तो x बराबर शून्य पर फलन का मान और फलन की सीमा दोनों ही आपस में बराबर हो जाती है। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान शून्य पे सब आपस में बराबर हो गए। आप इसको सिद्धांतों में इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि x बराबर शून्य पर f संतत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं। अगले विषय में एक परिभाषा दी गई है और कहा गया है एक वास्तविक फलन f संतत कहलाता है यदि वह f के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है। यानी f एक ऐसा फलन है जो संवृत अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। संवृत अंतराल एक ऐसा अंतराल होता है जिसमें अंतराल में दिए गए दोनों बिंदु और उनके बीच के सभी बिंदु जो हैं वो आते हैं। तो यदि फलन जो है वो एक समृद्ध अंतराल में परिभाषित है तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, और लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b। यानी जो अंतराल में शुरू करने वाली संख्या होगी उसके दाएं ओर की सीमा ले लीजिए और जहां पर अंतराल समाप्त हो रहा है वहां के बाएं ओर की सीमा ले लीजिए। उसका मान जो है वो उनके क्रमशः बिंदुओं पर होना चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने सीखा भूमिका यानी इंट्रोडक्शन और सांतत्य यानी कॉन्टिन्यूटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे संतत फलनों का बीजगणित यानी एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। घर जाइए, जितना भी पाठ आपको आज पढ़ाया गया है उसको एक बार ही फिर से देखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने स्त्री केसर, बीजांड, भ्रूणकोश और परागण के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम परागण के कारक, बही प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझेंगे। तो चलिए परागण के कारकों से शुरू करते हैं। अब ये कारक दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजीवीय
और दूसरा है जीवीय। अब अजीवीय कारक दो होते हैं, वायु और जल, और जीवीय कारक भी दो होते हैं, प्राणी और कीट। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। वायु द्वारा परागण को हम एनिमोफिली भी कहते हैं। इसके लिए पराग कण हल्के तथा चिपचिपाहट रहित होने जरूरी हैं। पौधे अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसर से युक्त होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पौधे अक्सर वृहद एवं प्रायः पिच वृत्तिकाग्र युक्त होते हैं। इसका उदाहरण है भुट्टा। तो जैसे कि आप यहाँ पर एक ये चित्र देख सकते हैं, और आपने कभी ना कभी भुट्टे में ऐसी कुछ चीज तो देखी होगी जो रेशेनुमा होती है। ये कुछ नहीं बल्कि वृत्तिकाग्र और वृत्तिका है, जो कि हवा में झूमते रहते हैं ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सकें। आइए अब जल द्वारा परागण को समझते हैं। इसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। ये जलीय पौधों में होता है, जैसे कि ताजे पानी के कुछ उदाहरण हैं वेलिसिनेरिया का पौधा, हाइड्रिला, और समुद्री उदाहरण है जोस्टेरा। आपको कोई ना कोई उदाहरण तो इसका याद ही रखना है। आइए अब वेलिसिनेरिया के उदाहरण से इसको समझते हैं। ये वेलिसिनेरिया का मादा पुष्प है, और जो नर पुष्प होते हैं ये पानी के बहाव की मदद से पराग कणों को मादा पुष्प की वृत्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं। आइए अब परागण के जीवीय कारकों को समझते हैं। अगर परागण प्राणियों द्वारा होगा तो उसे हम जूफिली कहेंगे, और अगर परागण कीटों द्वारा होगा तो उसे हम एंटेमोफिली कहेंगे। ये कीट पुष्प तक जाते हैं, जिसकी वजह से जो पराग कण होते हैं वो इनकी सतह पर आ जाते हैं। बाद में अगर ये कीट स्त्री केसर के संपर्क में आएंगे तो परागण की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अब दोस्तों हम उन पुष्पों की विशेषताओं को समझेंगे जो कीटों से परागण करवाते हैं। पुष्प रंगीन, सुगंध युक्त तथा मकरंद से भरपूर होते हैं। इनके पराग कण चिपचिपे होने चाहिए ताकि वो आसानी से कीटों की सतह से चिपक जाएं। ऐसे पुष्पों का एक उदाहरण है युक्का। चलिए अब बही प्रजनन युक्तियों को समझते हैं। आइए अब सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। जो उपकरण या सुविधाएं पौधों के स्वपरागण को हतोत्साहित कर पर परागण को प्रोत्साहित करे, उन्हें बही प्रजनन युक्तियां कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं। पहली है एक लिंगीयता, डाइकोगेमी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक लिंगीयता को समझेंगे। अब इसमें उभयलिंगी पुष्प आते हैं, जैसे कि अरंड, जिनके पास नर और मादा पुष्प एक ही पादप में होते हैं। तो इससे स्वपरागण का एक प्रकार स्वयुग्मन नहीं होता है, परंतु सजात पुष्पी परागण होता है। दूसरा है एक लिंगी पुष्प, जैसे कि पपीता। इन पुष्पों में दोनों नर और मादा पुष्प अलग अलग पादपों में होते हैं, तो ये स्वपरागण के दोनों स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण को रोक देते हैं। अगला है डाइकोगेमी। जायांग तथा पुमंग की परिपक्वता का समय अलग अलग होना डाइकोगेमी कहलाता है। पराग कण का वृत्तिकाग्र से तैयार होने से पहले ही झड़ जाना, जैसे कि सनफ्लावर में ये चीज होती है, या वृत्तिकाग्र का पहले ही तैयार होना जबकि परागण का बाद में झड़ना। सीधे शब्दों में यही कहूंगा कि इसमें कभी ऐसा होता है कि जो पराग कण है वो
वो पहले ही झड़ जाते हैं और वृत्तिकाग्र तैयार नहीं होती है या इसका उल्टा हो जाता है। आइए अब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझते हैं। यह एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्व परागण रोकने का उपाय है। उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प से जहां बीजांड के निषेचन को पराग अंकुरण या स्त्री केसर में पराग नलिका वृद्धि को रोका जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कृत्रिम संकरीकरण को समझते हैं। ये फसल की उन्नति कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपागम है और ये चीज हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला है विपुंसन और दूसरा है बैगिंग। अब इनको समझते हैं। तो विपुंसन में क्या होता है कि जोड़ों चिमटी की मदद से नर जनन अंग को निकाल दिया जाता है, जिसके बाद थैली से इन्हें आवृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो अभिलक्षित पराग कण होते हैं उन्हें वृत्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे कि एक अच्छा संकर पैदा होता है जो कि फसल की उन्नति को बढ़ाएगा। इस वीडियो में हमने परागण के कारक, बही प्रजनन युक्तियां और कृत्रिम संकरीकरण को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये तीन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम पराग स्त्री केसर संकर्षण, द्विनिषेचन और भ्रूण पोष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।